टॉपिक है जो डिफरेंट साइज ऑफ नीडल्स होती हैं स्विंग मशीन में हम स्टिचिंग में यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से फैब्रिक के लिए हम कौन कौन सी नीडल जो है वो यूज़ करते हैं, छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक नीडल के साइज बहुत डिफरेंट होते हैं। बट इसमें हम आज सिर्फ चार नीडल्स की ही बात करेंगे। उसमें आ जाएगा हमारे पास 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर, जो मोस्टली यही नंबर हैं जो नॉर्मली हम घर की मशीनों में यूज़ करते हैं। बाकी जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं वो डिफरेंट इनसे ज़्यादा बड़ी जो नीडल साइजेस होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं, इनसे छोटे साइज वाली नीडल्स होती हैं 9 नंबर हो गया वो भी यूज़ होती हैं। बट जो हम घर पे स्टिचिंग करते हैं उसमें हम मोस्टली ये चार नीडल्स ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो हम दूसरी नीडल्स यूज़ करते हैं। तो इन नीडल्स को हम किन किन फैब्रिक पे यूज़ करते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक पे यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और कैसे हमें देखना होता है कि हम कौन से फैब्रिक पे कौन सी नीडल यूज़ करें, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो परफेक्टली आ सके। सो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो किस तरीके की लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे नीडल्स जो हैं ऑलरेडी साथ में लगा रखी हैं। ये है 11 नंबर की, 14 नंबर, 16 नंबर और 18 नंबर। सबसे पहली चीज़, इन नीडल्स में कोई भी फ़र्क नहीं होता है, दैट मीन्स कि इनकी जो लेंथ है सबकी इक्वल होगी। मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये लेंथ वाइज बिल्कुल सेम होंगे, इनकी लेंथ में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। इनकी लेंथ भी डिफरेंट नहीं होती है, इनका ये जो पीछे वाला हिस्सा है इसकी मोटाई में भी कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ हमारी जो नीडल होती है उसके यहाँ पे नंबर मेंशन होता है कि ये कौन सा नंबर है। एक साइड से ये बिल्कुल फ्लैट होती है और दूसरे साइड से हमारा ये नंबर मेंशन होता है और इसके यहाँ पे हल्का सा कट लगा होता है। वो इसलिए होता है कि हमें जब भी नीडल हम लगाते हैं तो इस पॉइंट तक हमें रखना है। उसका फ़ायदा ये होता है, अगर आप प्रॉपर दिए हुए पॉइंट तक रखोगे तब आपको जैसे कि आपका धागा बार बार टूटता है, नीडल सेट नहीं होती है और बार बार से वो स्किप करती है तो वो दिक्कत थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, नीडल का फ़र्क क्या होता है। ये देखिए, ये दोनों नीडल्स हैं, ये हमारी 11 नंबर की है और ये हमारी जो है वो 14 नंबर की है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो ये पॉइंट होता है, ये आगे से इसके जो पॉइंट्स होते हैं ये थोड़े बारीक और मोटा होता है। इसमें और कोई भी फ़र्क नहीं होता नीडल्स में, सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि ये जो इसका पॉइंट है ये थोड़ा बारीक है और ये वाला पॉइंट इसका मोटा है, इतना ही फ़र्क होता है नीडल्स में। और आप 16 नंबर लोगे तो ये इससे भी मोटा आएगा, 18 नंबर लोगे तो ये और भी मोटा आएगा। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम कौन सी नीडल जो हैं वो यूज़ करते हैं कौन से कपड़े के लिए। इसमें आपको 11 नंबर मोस्टली बहुत कम यूज़ होता है क्योंकि बहुत कम फैब्रिक्स होते हैं जो पतले होते हैं। मोस्टली जो हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ होती है वो होती है 16 नंबर की, जो कि सारे फैब्रिक्स पे चल जाती है। ये बेचारी ऐसी है कि इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं, कॉटन पे भी यूज़ हो जाती है, रेयन पे भी यूज़ हो जाती है, सब पे यूज़ हो जाती है। बट हमें थोड़ा कई बार देखना पड़ता है कि हम यूज़ तो कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यूज़ होगी, ये यूज़ सब जगह हो जाती है। बट जो फिनिशिंग आती है कुछ कपड़े जैसे स्ट्रेचेबल्स होते हैं, लिनन होती है, क्रीप होती है, तो उन पे थोड़ा फिनिशिंग की दिक्कत आ जाती है। अगर आप प्रॉपर नीडल लगाओगे तो आपकी फिनिशिंग भी प्रॉपर रहेगी। 11 नंबर की नीडल जो हमारी यूज़ होती है हमारे दुपट्टे, अगर हम दुपट्टे नीचे से सिलाई लगाते हैं कई बार तो उस पर नेट वाले फैब्रिक पे हम यूज़ करते हैं लहंगाज वगैरह बनाने के लिए। जो हमारा कॉटन फैब्रिक रहता है, कॉटन मतलब जो मलमल का कपड़ा रहता है, बहुत फाइन कॉटन जो आती है पतला बिल्कुल, उस पर या फिर जो ऑर्गेन्जा आता है, ऑर्गेन्जा में हम गाउन्स वगैरह बनाते हैं और हमारे लहंगा बनते हैं, तो उसमें
ऑर्गेन्जा फैब्रिक में भी ये यूज़ होता है, वेलवेट पे यूज़ होता है। वेलवेट पे बहुत से लोग पूछते हैं वेलवेट पे हम कौन सी नीडल यूज़ करें, क्योंकि जब भी हम वेलवेट स्टिच करते हैं तो वहाँ से वो कट जाती है। तो अगर आप प्रॉपर नीडल यूज़ करोगे वेलवेट वाले फैब्रिक पे तो वो कभी भी वहाँ से कटेगा नहीं। और दूसरी चीज़, जब भी आप इन फैब्रिक्स के ऊपर, हॉजरी का है, लेस है, सिल्क है, लिनन है, पॉलिस्टर है, वॉयल फैब्रिक है, आपका शिफॉन फैब्रिक है, इन सब के ऊपर आप 11 नंबर की नीडल यूज़ करोगे। और साथ में जब भी आप ये नीडल यूज़ करते हो या फिर आप कोई भी पतला फैब्रिक जो है उसको आप स्टिच करते हो, तो उस फैब्रिक के नीचे प्लीज़ आप यूज़ कीजिए कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी पतला वाला पेपर या फिर बटा पेपर जो होता है जो हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आता है जो फॉर्म फैब्रिक होता है, फॉर्म कपड़ा जो हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं, उसको भी आप पेपर फॉर्म जिसे कहते हैं, जो विदाउट पेस्टिंग आती है वो वाली, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उससे आपकी जो फिनिशिंग है वो भी परफेक्ट आएगी, और दूसरा कोई भी उसमें कट नहीं पड़ेगा फैब्रिक में, कोई छेद नहीं होगा, और फैब्रिक की स्टिचिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप जब उसको स्टिच कर लोगे तो बाद में वो वहाँ से आप निकाल दीजिए। जैसे हम एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज़ करते हैं, नीचे कपड़ा लगा देते हैं, ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं, और बाद में वो कपड़ा बड़े आसानी से निकल जाता है। फिर उसके बाद हमारी आती है 14 नंबर की नीडल। 14 फैब्रिक आ गई हमारी, म्यूसलिन आ गई, स्ट्रेच फैब्रिक जो होते हैं जैसे कि हॉजरी में ही आते हैं बट थोड़े थिक, ये वाला हॉजरी वाला कपड़ा जो हमारी टी शर्ट्स और लोअर्स के लिए यूज़ होता है, और ये वाला स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है। कुछ कपड़े होते हैं जो स्ट्रेचिंग में आते हैं, वो ना तो कॉटन में होते हैं ना ही हॉजरी में होते हैं, वो थोड़ा बीच का कपड़ा होता है जो नाइट सूट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, उसके लिए स्ट्रेचेबल फैब्रिक जो रहता है हमारा, हमारी लिनन हो गई, पॉपलिन हो गई, कॉटन जो इससे थोड़ी मोटी हो और इससे थोड़ी पतली हो, मतलब बीच वाला कॉटन जो आता है, और नायलॉन यूज़ होती है जॉर्जेट के लिए। 14 नंबर फैब्रिक नीडल हमें यूज़ करनी होती है। 16 नंबर नीडल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मोस्टली हमारी मशीन पे यही लगी रहती है, मोस्टली कपड़ों में हम इसी को यूज़ करते हैं। इसमें ये पतले पे भी चल जाती है, मोटे पे भी चल जाती है, बट ज़्यादा मोटे पे नहीं चलती है और ना ही ज़्यादा पतले पे चलती है। 18 नंबर नीडल जो है कोट पेंट के लिए यूज़ होती है, कोट पेंट का जो फैब्रिक आता है उसके लिए, हैब्रिक कैनवस वाला, हैवी कैनवस मतलब थोड़ा सा कोट पेंट से ज़्यादा मोटा कपड़ा जो ब्लेज़र्स वगैरह के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, थिक डेनिम, जीन्स हो गई, डेनिम हो गई, डेनिम की कुर्तीज़ जो हम स्टिच करते हैं, जीन्स होती हैं उनको अल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप जीन्स का कपड़ा यूज़ करते हो तब आपको हमेशा जीन्स वाला थ्रेड ही लेना चाहिए। 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर में हमारा नॉर्मल थ्रेड जो पतले वाला थ्रेड है वो यूज़ हो जाता है, बट 18 नंबर में जब भी हम जीन्स वगैरह का ऑल्ट्रेशन करेंगे तो मार्केट से डेनिम वाला थ्रेड मिल जाता है, आप प्लीज़ उसे यूज़ करिए। उसको यूज़ करोगे तो परफेक्ट वाली फिनिशिंग भी आएगी, और दूसरा जब आप ऑल्टर करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि ये घर पे ऑल्टर हुई है, तो वो वाला थ्रेड आपको रखना घर पे बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गई हमारी नीडल्स की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जब मशीन पे इसको यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसे हम किस तरीके से सेट करें कि हमारी जो फिनिशिंग है वो परफेक्ट है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये नॉर्मली हमारी जो है नीडल यहाँ पे लगी हुई है, और नॉर्मली हमारा प्रेशर फुट है क्योंकि मैंने ये अभी 18 नंबर की नीडल जो है इसमें यूज़ कर रखी है। जब भी आप यूज़ करोगे 11 नंबर की, तब आपको क्या करना है, आपको अपने प्रेशर फुट को, इसको, ये हमारा प्रेशर फुट का एडजस्टमेंट होता है, इसको हमें लूज़ कर देना है। इसको लूज़ करना बहुत ईजी है, इसको आप खोल लीजिए तब ये ऊपर हो जाएगा और आप इसको लूज़ कर सकते हैं, और ये लूज़ करके आप इसको देख सकते हैं। हमें इस शटल को प्रॉपर तरीके से, ये जो इसका एडजस्टमेंट है, इसको प्रॉपर तरीके से घुमाना है। आप इसको लूज़ या टाइट कर सकते हो। आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप पतला फैब्रिक यूज़ कर रहे हो तो हमें इसका जो प्रेशर फुट है वो प्रेशर जो है वो लूज़ कर देना है, और जब आप मोटा कपड़ा यूज़ कर रहे हो तो आपको जो प्रेशर जो है वो थोड़ा टाइट करना है ताकि उसके ऊपर प्रेशर आए और वो थोड़ा आगे बढ़ जाए। पतले कपड़े के लिए प्रेशर इसलिए कम किया जाता है ताकि वो फटे ना और नीचे से वो कटे भी ना, और उसको जो है प्रॉपर फिनिशिंग मिले। यहाँ से इसको टाइट करना है नीचे की और ऊपर की, और इसको लूज़ करना होता है।
इसका आपको ध्यान रखना है, आप जो जिस नंबर की नीडल यूज़ कर रहे हो यहाँ पे उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करना बहुत इजी होता है इसमें। और जब भी आप नीडल यूज़ करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी नीडल जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और जब आप पतला फैब्रिक यूज़ करते हो तो इसके नीचे पेपर ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। सो गाइज, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।